ट्यूटोरियल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमूल सिंपल होममेड रेसिपीज डे 1255। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट चलने वाला लाइव शो है अमूल का, जिसका सेशन नंबर है 5983। और मैं हूँ वैशाली फ्रॉम वैशालीज किचन, एंड स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बना रहे हैं एक और मिठाई की स्वीट की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है, और आप बनाएंगे तो ऑफकोर्स आप सबको पसंद आएगी। ये मैं एक बना रही हूँ, एक बंगाली स्वीट जो है सौंदेश। ओके, जब बंगाली स्वीट की बात आती है तो हम रसगुल्ला, रसमलाई, वही सब याद करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही वहाँ बंगाल में खाई जाने वाली, पाई जाने वाली रेसिपी है सौंदेश। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेडी हो जाती है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है अमूल का दूध लिया है, अमूल काऊ मिल्क अगर आपको मिल जाए तो आप काऊ मिल्क यूज़ कीजिए। मैंने अमूल ताज़ा लिया है, इससे भी टेक्स्चर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, काऊ मिल्क से और बेटर रिजल्ट आएगा। एंड बाकी जो हम यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें दूध का छेना बनाना है। उसके बाद हमें छेना बनाने के लिए हमें चाहिए विनेगर, हमें चाहिए दूध को फाड़ देने के बाद उसमें ऐड करने के लिए कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर, उसको फ्लेवर करने के लिए हम रोज़ पिस्ता जो सौंदेश बना रहे हैं तो रोज़ फ्लेवर के लिए मैं रोज़ इमल्शन तो यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ हम गुलकंद यूज़ करेंगे। एंड फिर हम बना रहे हैं टाको शेप में, तो टाको की जो फिलिंग बनानी है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं काजू पिस्ताचो के पाउडर, वो हम आगे अगेन एक बार रिवाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिपी के साथ। ओके, तो हमें लेना है अमूल का दूध। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट दे दिया है, तो आप प्लीज़ फॉलो करें। हम एक पैन में दूध ले लेंगे और उसे गर्म करना है, बॉईल करना है दूध को। अब दूध को हम गर्म होने देंगे, इट विल टेक अबाउट 5 मिनट्स। तो दूध गरम होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे जो भी हम कडल करने के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ विनेगर के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, 1 स्पून विनेगर 1 स्पून पानी लिया है मैंने। आप यूज़ कर सकते हो नींबू के फूल को भी डाइल्यूट करना है पानी के साथ। आप यूज़ कर सकते हो नींबू का रस, उसे भी पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करना है। और अगर आपके पास छेना या पनीर बना हुआ उसका जो वे निकलता है, पानी निकलता है, वो आपके पास पड़ा है तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं, उसे भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे विनेगर और पानी मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ। पानी मिक्स करने का क्या रीज़न है कि हमारे दूध को एक अचानक से उसमें जब खटाई आएगी तो शॉक नहीं लगेगा। हम पानी के साथ मिला के धीरे 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 मिला के उसे जब दूध को फाड़ेंगे तो उसका जो हमें छेना मिलेगा वो बहुत ही अच्छे टेक्सचर में मिलेगा। एंड देन हमको यहाँ पे बनाना है छेना ना कि पनीर। सो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको जब दूध को कडल कर रहे हैं तो आपको बताऊँगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अभी आगे हमें उसमें ऐड करना है स्टफिंग, तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम स्टफिंग भी रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने क्या किया ना, मैंने जो छेना ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है क्योंकि ठंडा करके यूज़ करना है, तो वो छेना थोड़ा सा लिया है 1 स्पून। एंड ये है मेरे पास काजू एंड पिस्ता का पाउडर है, आप देख सकते हो कुछ पिस्ता के फ्लेक्स लिए हैं मैंने, और इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर, वो भी मैंने सारे आपको मेजरमेंट्स दे दिए हैं। तो ये सब हमें मिलाना है अच्छे से। मैं पाउडर थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाऊंगी। छेना इसीलिए यूज़ किया है हमने कि हमें एक बाइंडिंग मिले हमारे पाउडर्स को,
एंड अगेन आप यहाँ पे छेना के साथ साथ रोस्ट किया हुआ खोया मावा भी यूज कर सकते, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। लेकिन मावा को भी अच्छे से रोस्ट करके फिर ही यूज करना है। हमें स्टफिंग बनाना है तो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, तो उस तरह का हमें एक डो जैसा प्रिपेयर करना है। शेप आना चाहिए उसमें बिल्कुल जैसे हमारे टाकू में हम पैटी वगैरह यूज करते हैं, इस तरह से उसकी शेप होल्ड करनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप फ्लेवर दे सकते हो। हम पिस्ता बना रहे हैं तो मैंने पिस्ता का पाउडर यूज़ किया है, मैं यहाँ कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा सा उसको कलर मिलेगा। या फिर आप इलायची फ्लेवर, केसर फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर आप बना सकते हो। बट हमने छेना के साथ ऐड करी काजू का पाउडर, पिस्ता का पाउडर यूज़ किया है तो वो तो यूज़ करना ही। आप ओनली कैशू पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं पिस्ता बना रही हूँ, पिस्ता पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पाउडर नट्स का पाउडर यूज़ करने से क्या होगा, हमें ये डो वाला अच्छा स्टिफ आटा मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा डो स्टफिंग का रेडी हो गया है। इस तरह से हमें जो अंदर स्टफ करनी है हम पैटी रेडी करके रख देते हैं छोटी छोटी। तो ये हमारे कुछ पैटी मैंने रेडी करके दे दिए हैं। अगर और भी अगर आपको लगे कि स्टिफनेस नहीं आ रही है कैचू पाउडर, तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मिल्क पाउडर से भी अच्छा फ्लेवर भी आएगा और स्टिफनेस भी आ जाएगी। ओके, तो हमारे दूध में अब बॉईल आने वाला है। तो जब बॉईल आने ही वाला हो, हमें दूध उबलने लगता है हमारा, तब ही पैन करना। अब हमें ऐसा लगे कि दूध में हमारे बॉईल आ ही रहा है तब हमें विनेगर ऐड करना है। तो विल बी रेडी विद इंस्ट्रूमेंट्स। हमें थोड़ा थोड़ा विनेगर का मिक्सचर ऐड करके अच्छे से चलाना है हमारे दूध को। आप देख पा रहे हो कि दूध में बस अभी इस तरह से बुलबुले आ रहे हैं कि अब इसमें उबाल आ ही जाएगा, तभी हमें अभी गैस को कर देना है बंद एंड थोड़ा सा दूध को चला लेंगे, थोड़ा धुआं निकल जाए। एंड अब थोड़ा थोड़ा करके हम विनेगर का मिक्सचर ऐड करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसका हम कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कभी दूध जल्दी भी फट जाता है एंड कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो इट डिपेंड्स। अब देख पा रहे हो ये कडल तो हो गया है बट पूरी तरह से नहीं फटा है। इससे हम चलाते रहेंगे एंड मेरा जो विनेगर का मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे। नाउ मैं एक बार इसी गैस पर फिर से चढ़ा के इसमें एक जो बॉईल हमने नहीं आने दिया था वो एक बॉईल आने दूंगी। उससे क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हो क्लियर अभी ना, ये बिल्कुल फट गया है लेकिन क्लियर वाटर नहीं दिख रहा है, वे क्लियर नहीं है, मिल्की है। तो वो सिर्फ एक बॉईल आने से क्लियर वे हो जाए।
नाउ पनीर के लिए हम क्या करते हैं ना, दूध को पूरी तरह से बॉइल आने के बाद इसमें हम जो कड़ल करने के लिए खटाई यूज करते हैं वो ऐड करते हैं। उससे हमारे हमें एक क्लियर सा पनीर मिलता है, जो हमें हार्ड पनीर चाहिए होता है, यूज करने होते हैं, किसी चीज़ में यूज़ करना होता है। यहाँ पे हमें ये चाहिए है छेना, जो बिल्कुल मुलायम सा सॉफ्ट सा हो। इसलिए हमने दूध को बॉईल आने से पहले ही बंद कर दिया था, इसमें विनेगर ऐड किया था। वहाँ पर गैस को कर देती हूँ बंद, एंड छोड़ू। आप देख पा रहे हो ये जब मैं अलग करती हूँ तो ये ग्रीन सा पानी दिखाई देता है, तो हमारा छेना रेडी है। अब थोड़ी देर मैं इसे चलाते रहूँगी एंड देन इसे स्ट्रेन करना है। इस तरह से मैंने ये वाइट कपड़ा लिया है और स्ट्रेनर के नीचे बर्तन रखा है और इसमें मैं मेरा छेना निकाल दूँगी। स्ट्रेन करने देंगे एंड इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी, मिनिमम वाटर, कोल्ड वाटर। इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी ताकि हमारा छेना क्लीन भी हो जाए और ठंडा भी हो जाए। इसमें हमारा काफ़ी पानी आ गया है तो इसे हटा के दूसरा बर्तन लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे एंड थोड़ा थोड़ा छेना को इस तरह से अलग करके क्लीन करके धोते रहेंगे, बिकॉज में जो हमने विनेगर यूज़ किया है उसका खट्टापन हमारे स्वीट में नहीं आना चाहिए। हमारा छेना बिल्कुल क्लियर क्लीन हो जाना चाहिए। उसमें जो भी आपने यूज़ की है खटाई, उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह से हाथ से उसको अच्छे से धो देंगे एंड ठंडा पानी डालने से ठंडा भी हो गया है। अगर ये ऐसे ही गरम गरम छोड़ेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम इसे तुरंत ही ठंडा कर देंगे। एंड नाउ इस कपड़े को अच्छे से इसका सारा पानी अच्छे निचोड़ के निकाल देंगे। हमें इसे पनीर की तरह एकदम हार्ड नहीं करना है, तो अभी इसका पानी इस तरह से निकाल लेते हैं। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो हाफ एन आवर के लिए आप इसे कहीं टंगा के इस तरह से पोटली छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे टपक के सारा पानी निकल जाएगा। ये जो हमने पानी ऐड किया था ठंडा करने के लिए वो भी इसमें है, तो पूरा निकाल। तो अब आगे के प्रोसीजर हमें क्या करनी है, हमें हमारा छेना जो है कुक करने से पहले अच्छे से हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेना है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास क्या है, ये है कॉर्नफ्लोर एंड ये है मिल्क पाउडर। वन मोर थिंग, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में 1 लीटर मिल्क एंड 5 to 6 स्पून ऑफ शुगर कहा है, आई एम रियली सॉरी, वो 2 लीटर का मेजरमेंट है। 1 लीटर में आपको हार्डली 2.5 to 3 स्पून ऑफ शुगर ही डालना है, सो प्लीज मेक दैट करेक्शन। अगर छेना में थोड़ा सा भी पानी बचा है तो हम निकाल लेंगे, बाकी कुक होने के टाइम पानी अगर थोड़ा सा रहा भी है तो निकल ही जाएगा। सारे हमारे छेना लेंगे। नाउ सी, अभी ये कितना मुलायम सा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा छेना रेडी हुआ, थोड़ा चिकना सा। तो जब हम पनीर बनाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड चाहिए होता है हमें, ये हमें इस तरह का नहीं चाहिए, सॉफ्ट सा चाहिए। बिकॉज सॉन्देश इज अ वेरी सॉफ्ट एंड मेल्ट इन माउथ टाइप ऑफ स्वीट। अब ये सारा मिल्क पाउडर एंड कॉर्नफ्लोर के साथ मिला के अच्छे से हमें इसे मसलना है, ये सारा मिला देना है अच्छे से।
एंड इसमें कुछ जो हमने छेना को ड्रेन करता है इसमें गुठलियाँ बन गई होगी तो वो भी सारी टूट जाएगी। अगर आपका छेना ज़्यादा ड्राई हो गया है, आपने थोड़ी देर ज़्यादा रख दिया है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मिल्क स्प्रिंकल करेंगे। और अगर आपको मसलने में भी ड्राई लग रहा है, आपके ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें दाने नहीं पड़े, अगर दाने पड़ गए हैं तो आप एक बार इसे मिक्सी में चला देंगे। अच्छे से मसल के इसको इतना भी नहीं मसलना है कि इसमें फैट रिलीज हो जाए, बस सारा एक साथ मिलाना है। इसमें जो भी बड़ी गुठलियाँ हुई है, लंप्स हुए हैं, उन्हें तोड़ना है। ठीक, आप देख पा रहे हो हमारा अच्छा सॉफ्ट छेना रेडी हो रहा है। अब इसे हम ले लेंगे हमारी कढ़ाई में। एंड हमें ऐड करना है यहाँ पे शुगर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुलकंद भी यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे शुगर जो मैं 2.5 to 3 spoon के बदले मैं 2.5 spoon ही ले रही हूँ, 3 spoon नहीं ले रही हूँ, ये मेरा टेबल स्पून है। बिल्कुल इस तरह से भर के स्पून हमें शुगर लेना है, 2.5 ऑफ का शुगर। अब गैस को ऑन कर देंगे। स्लो पे रखेंगे बिकॉज हमें शुगर के साथ इसे अच्छे से मिलाना है। क्योंकि अगर फास्ट होगा तो हमें शुगर कैरमलाइज होने लगेगी। कैरमलाइज नहीं करना है हमें, सिर्फ अच्छे से मिलाना है। इसमें जो वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत रह गया है वो निकल जाएगा, शुगर हमारी मेल्ट होके अच्छे से कुक हो जाएगी, बस इतना ही करना है। एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट, आप देख पा रहे हो मेरी कढ़ाई विजिबल है अच्छे से ना, ये मेरी शुगर अच्छे से इसमें मिल गई है। तो इस थोड़ा सा मीडियम पे कर दूंगी मैं मेरे फ्लेम को। चलाती हूँ, कुक कर रही हूँ अच्छे से, फैला फैला के मैं कुक कर रही हूँ ताकि इवन हीट लगे इस पर, अच्छी तरह से हीट लगे इक्वली। अब यहाँ पे क्योंकि रोज़ फ्लेवर है, मैं इसमें ऐड करूँगी गुलकंद। गुलकंद मैंने मेजरमेंट्स में इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, आपके पास हो, नहीं हो तो ओनली रोज एसेंस से भी काम चल रहा है। 1/2 teaspoon जितना गुलकंद ऐड किया है मैंने, गुलकंद को भी हाँ मिला लूँगी। गुलकंद की भी शुगर होती है, वो भी अच्छे से हमारे मिक्सर में अच्छे से फ्लेवर की आ जाएगी। गुलकंद का अपना एक अभी सा फ्लेवर होता है, वो अच्छे से आ जाएगा हमारे मिक्सर में। जब एकदम रेडी है, हम देखेंगे कि बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, ड्राई हो गया है हमारा मिक्सर, तब हम ऐड करेंगे एसेंस एंड करेंगे। संदेश और सॉरी अगेन संदेश नॉट संदेश संदेश इज अ मैसेज संदेश संदेश जो है वो बंगाल में बहुत ही फेमस है। और आप गुड़ के संदेश भी, गुलर संदेश जो कहते हैं, निलम गुड़ मिलता है उसके संदेश, वो भी बहुत ही यमी एंड फेमस भी है वहाँ के। तो ये शुगर के बदले गुड़ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम। डेट जैगरी चाहिए इसमें, जो निलॉन गुड़ कहा जाता है, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना रेगुलर देसी जो गुड़ हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करें।
विदाउट कुकिंग भी सिर्फ इसमें शुगर मिल्क पाउडर मिक्स करके अच्छे से मिला के एंड शुगर या मिल्क पाउडर में उसके बॉल्स बना के रोल कर देते हैं एंड एज अ काचा कोला भी सॉल्वेज बनाए जाते हैं। अभी आप देखो मैं बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है मेरे मिक्सचर में, तो मैं ऐड करूँगी यहाँ पे मेरा इमरजेंसी कलर एंड फ्लेवर दोनों है, तो सिर्फ एक या दो ड्रॉप मैं ऐड करूँगी। उसमें अच्छा लाइट पिंक कलर भी आ जाएगा एंड कलर भी पर इसे मिक्स करके हम गैस बंद कर देंगे। गैस ऑफ कर देंगे और इसे इस तरह से मैं फैला के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूंगी और थोड़ी सी हीट में और कहीं मॉइस्चर इसका रह गया हो, हमारे कलर एसेंस का भी मॉइस्चर आया हो तो वो सारा निकल गया। कलर एसेंस को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अच्छी रोज की फ्लेवर आ रही है यहाँ पे मुझे। इतना होने के बाद हमें इसे हमारे प्लेट में निकालना है। उसे इस तरह से फैला के अच्छे से ठंडा करना है थोड़ा समय। तो कलर ऐड करूँगी बिकॉज जो पिंक कलर मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इसे अच्छे से मिक्स करके फैला के हम छोड़ देंगे एकदम रूम टेम्परेचर पे आने का। आपको अगर थोड़ी जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, क्योंकि इसका काम हमारा जो आगे का करना है वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही हो पाएगा। तो ये हम इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल जम के अच्छे से ठंडा हो गया है। ये मैंने अभी जस्ट वन एंड हाफ पहले बनाया है। अगर इसे अच्छे से हाथ से आटे की तरह मसल लेना है, भी बापा आपके घर पे अगर है एंड आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं बापा को या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो आप इसी से अच्छे से मोदक भी तैयार कर सकते हैं और ये जो स्टफिंग हमने बनाई है वो मोदक में भी आप स्टफ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको शेप दे रहे हैं टाको की, अच्छे से मिला लेने के बाद देखा कितना सॉफ्ट एंड कितना एकदम स्मूथ सा हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। तो हम इक्वल इसके पोर्शंस कर देंगे जिसे हमें फिर शेप देना है टाको का। ये 1 लीटर जो मेरा दूध था उसमें से बिल्कुल 8 balls रेडी हुए। इसे आप राउंड शेप दे दीजिए या अच्छे से इस तरह से पेड़े का शेप दे दीजिए एंड नट्स से सजा दीजिए या मोदक बना लीजिए, लेकिन हम बनाएंगे ताकि थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने लिया है जस्ट हाथ पे मेरे स्प्रिंकल करूंगी। आप चाहे तो एक
कटर की मदद से भी इसे शेप दे सकते हैं। मैं हाथ पे ही मेरे इसे शेप दे रही हूँ। मिल्क पाउडर इसलिए लगा रही हूँ मैं ताकि ये स्टिक ना हो मेरे हाथ में, बिकॉज सॉफ्ट सा हमारा स्मूथ सा डो है ये। एंड अब इसे शेप जो देना है, इस तरह से हमारी उंगली रखेंगे, इट्स विजिबल, एंड इसे इस तरह से शेप देंगे। ये अभी आपको सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छे से इसकी शेप को होल्ड करेगा। ओके, उंगलियों के बीच रख के इस तरह से हमने शेप दे दिया। ये जो हमने बनाई थी गोली स्टफिंग के लिए, इसे शेप करके इसे यहाँ पे बीच में हमने डाल दिया। ओके, आप अगर ये गोली खोया से बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैंने साइड्स को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, एक और बना लेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करके वो इसे फ्लैट करेंगे। इसकी जो साइड्स है इस तरह से जो फट रहे हैं इन्हें अच्छे से हम शेप देंगे ताकि इसका जो हमारा लुक है वो बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पे रखें तो इस तरह से अच्छे से इसको शेप कर दो। अब ये हमारे पास है पिस्ता के फ्लेक्स एंड रोज, तो ये हमारा है रोज पिस्ता। तो हम इसके किनारों पर जो इनके किनारे है वहाँ पे लगाएंगे पिस्ता, इस तरह से इसको डिप करेंगे। एंड मिडल में हम थोड़ा सा रोज डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा केसर मेल्ट करके उसे भी आप कर सकते हो। ये जो है इसको हम डिप करेंगे अच्छे से पिस्ता में। ये हमारे दो टाकू रेडी है बिल्कुल पिस्ता एंड रोज। ओके, तो आप इसी तरह से अब आने वाले फेस्टिवल्स में, नवरात्रि में, दिवाली में ये मिठाई बनाइए। अभी ये कुछ देर के लिए फ्रिज में आप स्टोर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका शेप भी होल्ड करेगा। और ये जो हमारा पनीर इतना सॉफ्ट था, ये जो हमारा छेना इतना सॉफ्ट था, तो खाने में इसका मॉइस्चर एंड सॉफ्टनेस भी फील होगी। कपकेक्स के लिए जो लाइनर्स मिलते हैं मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, उसमें आप अच्छे से इस तरह से अरेंज कर सकते हो आपके स्वीट को, एंड आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को, आपके घर पे गेस्ट के लिए भी बना सकते हो। ओके, तो आई रियली होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। एंड वंस अगेन हम मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ अमूल के पेज पे। टिल देन थैंक यू एंड बाय, हैव अ गुड डे।